क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5। फोर चैप्टर में हमने पढ़ा था और पुनरावर्तन पढ़ाया था आपको, और एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें आपने स्टोरी सुना है ना, मंकी और मगर का, मंकी और क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ का, कि वो मंकी को क्या उसका मन करता है खाने के लिए, मगरमच्छ का कलेजा है उसका दिल, खाने के लिए मन करता है, तो वो कैसे अपने उसको दोस्त को बोलता है, दोस्त बनाता है और उसको अपने बोल रहा है कि आप मेरे घर चलो, और जब उसके घर जाता है तो मंकी कैसे अपने चतुराई से और चालाकी से मगरमच्छ को वो बोलता है कि मैं तो अपना कलेजा पेड़ के ऊपर छोड़ के चला आया हूँ। तो बच्चों आप ये कहानी जानते ही और सुनना भी है और मैं सुना भी हूँ। अभी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5 चैप्टर धरती को महकाए। धरती को महकाए में ये कहानी है, फूल सूर्य और दीपक के बारे में बताया गया है। इस कवि ने हमें इसके बारे में बताया है कि प्राकृतिक सबसे बड़ी शिक्षक है। उसके अलावा अलग अलग रूपों से हमें बहुत से कुछ सीखने को मिलते हैं। इस कविता में कवि ने फूल सूर्य दीपक के बारे में हमें सीख बताई है, और उसके बारे में बताया कि हमें उनके जैसा कैसे सूर्य की तरह तेज, दीपक की तरह ज्योतिमय और उजाला, फूलों की तरह सुगंधित और हमें बढ़ना चाहिए। ओके, तो धरती को महकाए कविता है, धरती को महकाए। तो इस कविता में क्या है, बगिया के फूलों को देखो, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सकते हैं। कवि जी क्या कहते हैं कि बगिया के फूलों को देखो, जो बाग में फूल लगाए हुए हैं, जो बाग में फूल खिले हैं, आप उसको देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, वो कैसे हमेशा क्या रहते हैं, खुश खुश रहते हैं, मुरझाए हुए नहीं रहते हैं। तो आंधी हो पानी हो चाहे, आंधी भी हो पानी भी हो, सबको हंस हंस सकते हैं, चाहे कितनी भी आंधी तूफान पानी आए तो वो क्या करते हैं, उसको हंस को सह लेते हैं और अपनी प्रकृति का जीवन जो उनके जीने का है वो एक ही समान जीते जाते हैं। उसी तरह बच्चों हमारे हमें इंसान को भी, हमारे साथ आंधी हो तूफान हो दुख हो सुख हो, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न हो या इतनी सारी खुशियाँ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें एक समान रहना चाहिए। खुशी होने पे भी ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, और दुखी होने पे भी इतना टूट नहीं जाना चाहिए कि हम आगे के लिए खड़े ही ना हो सके, कि हमें आगे और कुछ करना है। ओके, तो इस कविता में आपने ये देखा कि बगिया के फूलों को देखो हमेशा कैसे खुश रहते हैं, चाहे आंधी तूफान हो चाहे वो बारिश भी हो, सबको सह सह लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आगे आपका में आएगा, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पे आती है अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। क्या करती है, अंधकार को दूर भगाकर वो सारा जग को क्या करती है, चमकाती है। तो हमें क्या करना है, सूरज की तरह किरणें, जो सूरज की तरह किरणें हैं ना उनको देखिए, और वे प्रतिदिन धरती पर क्या करते हैं, वो प्रतिदिन धरती पर रोज धरा पर आती है, वो धरती रोज धरा मीन्स धरती पे क्या करती है, वो आती है। वे रात के अंधेरों को दूर भगाकर सारा जग को चमकाती है। जब वो धरती पर आती है तो रात का जो अंधेरा होता है उसको क्या करती है, दूर भगाकर सारे जग को चमकाती है। ओके, दीपक को हो देखो कैसे यह, दीपक को देखो कैसे यह
हरदम जलता रहता है। दीपक क्या करता है? हमेशा जलते रहता है। ओके, उनका नेचर ही है दीपक का जलना। हमारे जीवन में भी इसी तरह खुशियों का दीपक जलते रहना चाहिए और खुशियों से जुड़ते रहना चाहिए। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ हो, पर हमें दीपक की तरह जलते रहना चाहिए। ओके, तो क्या है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम क्या करता है, जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर, अपना अंतर, दीपक क्या करता है, जो अपने अंतर की आत्मा है वो क्या करता है, वो जलता है, उसका जलाता है। और रोशनी किसको देता है? हम लोगों को देते हैं। दीपक हम जलाते हैं तो जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती है। तो हम दीपावली के दिन क्यों इतना दीपक जलाते हैं कि जितनी भी हमारे पूरे साल की जो हमारे मन में कड़वाहट, अंधकार, हमारे जो भी सबसे नफरत है, वो सब इस अंधकार में दीपक के जलने से सारे दूर हो जाए और ज्योतिमय प्रकाश से हमारा जीवन दीपक की तरह हमेशा जलते रहे। तो ये दीपक की तरह हमेशा अपने जीवन को जलते रहना चाहिए, महकाते रहना चाहिए खुशियों की तरह से। ओके, आप थोड़ा देखेंगे बोर्ड पे, दीपक को देखो, दीपक को देखो ये कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। क्या करता है? रोशन जग को सरा करता है। ओके, तो वह अलग अलग कदम चलता है, लेकिन दुनिया को क्या देता है, वो उजाला देता है। फिर नेक्स्ट आएंगे, आओ आओ हम भी इसी में, आओ हम भी इसे बनकर जग में अपना नाम कमाएं। आओ हम भी इंसान बनके जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करके और सारी धरती को महकाएं। अच्छे सच्चे काम करके सारे धरती को क्या करेंगे, हम महकाएंगे। तो आओ आओ हम भी हिंसा बनकर, आओ हम भी हिंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि आओ हम भी इंसान, आओ सब इंसान, हम लोग भी इस धरती पे क्या काम करें, अच्छा काम करें, धरती पे अपना नाम कमाएं और सारे धरती को हम खुशियों से महकाएं और खुशियों से महकाएं। धरती में भूमि और अंधकार में अंधेरा, दीपक मैं आपको मीनिंग लिख देती हूँ कि अंधकार में गर्व। तो ये हमने दीपक बनाया, आपको धरती में क्या होता है, भूमि, धरती को महकाए, धरती में धरती भूमि। ओके, फिर अंधकार, अंधेरा, अंधकार लिखिए, अंधकार, अंधकार, अंधेरा, दीपक, दीपक मीन्स दीप, जो हम दीप जलाते हैं घर में, हमारे पूजा होती है तो दीप जलाते हैं, दीपावली पर जलाते हैं, है ना, कोई फंक्शन पार्टी शादी ब्याह होता है तो उसमें भी हम दीप जलाते हैं। तो दीपक में दीप, दीपक दीप। ओके, ये क्या आपका है शब्दार्थ, मीनिंग लिख लीजिए। हरदम, हरदम मीन्स क्या होता है, हरदम हमेशा क्या है, हमारा हरदम जलता रहता है, हमेशा क्या करता है, जो हमारे अंदर दीपक है उसको देखो, वो हमेशा जलते रहता है। तो हरदम हमेशा, हरदम, हरदम।
हमेशा उजाला, ओके। फिर अंतर, अंतर, अंतर मन से, मने अंदर, दिल से, हृदय से, उसका अंतर मीन्स क्या होता है, हृदय या दिल, तो हम यहाँ लिखेंगे अंतर, अंतर, हृदय या दिल। जीवन में प्रकाश लगाता है, हौसला बढ़ाता है, उजाला देता है, तो
दीपक जलते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे अपना अंदाज रखना। अपना क्वेश्चन नंबर टू में अंदाज क्या है? अपना 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 अपना। ओके, तो इसमें हमको क्या देखना है आपको कि इसमें आपके लिए प्रश्न आता है कि यदि वन क्वेश्चन यदि सूरज न निकलता तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं?
से लिखेंगे कि आपके पास पिक्चर होगा या कोई इमेजिंग करेंगे कि आपके पास में कौन कौन से फूल है और कौन दिखाई देते हैं। ओके, फिर इनका जोड़ नाम और काम है, जोड़े बनाइए। आप तो वैसे जोड़े तो नहीं करते, फिर भी मैं बता दूँ। फूल क्या क्या होगा? खुशबू। सूरज क्या करता है? सूरज क्या देता है? गर्मी। ओके, सूरज क्या देता है? गर्मी। फूल, खुशबू, सूरज, गर्मी लिख लेंगे जोड़े मिलाने के लिए। और दीपक अंधेरा को दूर करता है, दीपक अंधेरा को दूर करता है। और मानव किसको करता है? मानव है तो अच्छे अच्छे काम करना। मानव का क्या काम है? अच्छे अच्छे काम करना। दीपक भी काम अच्छा करेंगे, सूरज भी और फूल भी। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में आपको लिखाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जो कविता आपने गाया है उसमें से वो ढूंढ के और उसका आपको वाक्य प्रयोग करके वो आपको बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे कहाँ यूज करते हैं। ओके, तो हमारा क्या है? फूल, सूरज, दीपक, मानव। फूल, सूरज, दीपक, मानव के प्रवाची शब्द लिखकर आप मेरे क्लास में दे जाइए। ओके, तो फिर से हमें क्या करना है? फूल, सूरज, दीपक, मानव। ओके, तो इसके बारे में लिखना है, जोड़ा मिलाना है। तो मैं आपको बता दी, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। जोड़े मिलाइए, अपना अपना अंदाज में बच्चों। पहले हम अच्छी तरह से बुक को पढ़ लेंगे, फिर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में ही होता है, वो आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी और आप आसानी से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और खूब मन लगा के आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो अभी हम फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपको अपने मन से जो आंसू हुआ जो फूल दिखाई देता है उसका लिखना है। फिर नेक्स्ट आएगा, प्रकृति के तत्व को कौन से हैं? प्रकृति के तत्व कौन से हैं और उसके ऊपर आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? आपके आसपास में कौन से फूल दिखाई देते हैं? ओके, तो हम अभी यहाँ जोड़ा मिलाएंगे। फूल है तो क्या रहता है? फूल किसके लिए होता है? खुशबू के लिए। तो लिख दो फूल, लास्ट में 5D। ओके, फिर हम देखेंगे कि दीपक अंधेरा में है ना। फिर आपका आएगा सूरज, अंधेरा रात को भगा देता है। सूरज क्या करता है? अंधेरा रात को भगा देता है। ओके, तो आज इतना ही। ये आपको चैप्टर रीड करना है, इसमें स्टोरी है और मुहावरे भी है और कंठमाला भी है। तो क्या है? चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए या नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि आपका आ जाएगा सर्वनाम में आता है, क्या क्या आता है? आप, कोई, नई, गति, पानी, अपना, कुछ। तो इनको क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों में उचित सर्वनाम, नीचे दिए गए शब्दों में उचित सर्वनाम सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों पर भूमि कीजिए। रिक्त स्थानों पर भूमि कीजिए। तो आपको नेक्स्ट में बता दूं, आपकी कल्पना में क्या आएगा? जैसे जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। क्या आती है? उसकी जो हमारी तस्वीर है, हम किसी के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या आएगा? उसका तस्वीर हमारे वस्तु
घेरे के भीतर वहाँ पे जो वो पंखुड़ियाँ होती है ना, आप इसी तरह से अन्य घेरों में दिए गए जन संबंधी को धन्यवाद पंखुड़िया में सीख ले। यह जब यदि आप वस्तु के नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर सामने आ जाती है। यह सोचे तो उससे संबंधित चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगती है। उदाहरण के तौर पर भीतर शुल्क सभी में नाम लेते ही पंखुड़ियों में खिलने की भावना समाने लगती है। आप इस प्रकार अन्य घेरों में लिखे गए शब्दों का संबंधित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप जग में नाम कराने के लिए डॉक्टर कलाम आम जैसा बनना चाहिए। डॉक्टर कलाम भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और उनकी आज भी नाम से विख्यात है। ओके, आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड अपनी महक टेस्ट बुक निकाल लीजिए। आप जरा ये पिक्चर देखेंगे, 36 पेज नंबर निकाली है कि समान क्लास वाले सब पढ़िए और बोलिए। समान क्लास वाले मीन सामने वाला जैसा लिखा है, जैसे कि मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि समान क्लास वाले सब पढ़िए और बोलिए। ऐसे आता है समान समास। पाठशाला के सभी लड़के निर्भय में नियमित है। पाठशाला के निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे लड़का लड़की। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। पंखा आँख किताब पेंसिल काव्य व्यक्ति और पढ़कर उनका भावार्थ लिखना है तो क्या लिखेंगे? दीपक को देखो कैसे कैसे यह हृदय जलता रहता है। हृदय जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोज जप करता है। आओ हम भी इस इंसान जग में जन समाये उनकाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। ओके, तो ये आपका ये यहाँ तक कंप्लीट होता है ना। फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि सुबह चैप्टर है, सुबह रेशमा की कहानी की दादी के चैप्टर है। और फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, स्वाध्याय क्वेश्चन है। सूरज के किरणों से आप क्या समझते हैं? और दीपक जग जग को कैसे रोशन करता है? ओके, तुम्हारा नाम क्या है? जय। खाने के लिए जैसे कि नीचे दिए गए शब्दों से उचित सर्वनाम सुन के लिखिए। आप चलिए यहाँ देखिए अपने बोर्ड पर देख ले। एज फॉर एग्जाम्पल की तरह मैं बता देती हूँ, पहले भी करना है। तो जैसे तुम्हारा नाम तो क्या आएगा, जैसे
ओके तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको रीड करेंगे और पढ़ेंगे। ओके हरिओम, थैंक यू।